हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन प्लानेट। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी वायरस को इमेज के साथ कैसे रन करेंगे, यानी पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सिंपल वायरस कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि उसी वायरस को किसी इमेज के साथ कैसे रन करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और जो हमारा पिछला वीडियो नहीं देख पाए हैं मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि किसी इमेज के साथ वायरस को कैसे हम रन कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा जो पिछले वीडियो में हमने वायरस बनाया था, सेम वायरस वही प्रोग्राम लेते हैं वायरस का। जैसे हमें नोटपैड ऑन करना है, एक्सप्लोरर ऑन करना है, सीएमडी ऑन करना है, और रिपीट कमांड यानी इनफाइनाइट वाला वायरस है हमारा। इसको हम डेस्कटॉप पर सेव करते हैं, किस नाम से, वायरस के नाम से इसको डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं, virus.vat, ठीक है। इसको सेव करने के बाद हम एक इमेज डाउनलोड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इमेज एक हम डाउनलोड करते हैं यहाँ से। तो सपोज़ कीजिए हमने ये इमेज को डाउनलोड करना है, तो हम राइट क्लिक करके सेव इमेज एज डेस्कटॉप पे इमेज को सेव करते हैं। नाम चेंज कर लेते हैं, इसका नाम कर लेते हैं माई इमेज, हमारा इमेज सेव हो गया डेस्कटॉप पे, देखेंगे यहाँ पे। बट हमें क्या चाहिए कि ये इमेज चाहिए .ico फॉर्मेट में, यानी कि ये फॉर्मेट कौन सा है हमारा, प्रॉपर्टी चेक करेंगे तो JPG फॉर्मेट है, लेकिन हमें कौन सा फॉर्मेट चाहिए इमेज का, ICO फॉर्मेट। तो उसके लिए हम ऑनलाइन कन्वर्टर का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ICO फॉर्मेट करने के लिए हमने ये वेबसाइट ओपन कर रखा है पहले से। यहाँ पर हम फाइल को चूज करेंगे, कहाँ से फाइल उठाना है, तो हमें डेस्कटॉप से उठाना है। फाइल कौन सी है, तो हमारी सॉरी डेस्कटॉप से फाइल उठाना है, और कौन सी फाइल है हमारी, तो हमारी ये फाइल है, ठीक है। इसको चूज कर लिया, ये अपलोड हो गया, तो हमारा ये फाइल है। और हमें साइज़ यहाँ पे तो हमें चाहिए स्क्वायर साइज़ की, तो यानी हम दे देते हैं 120x120 पिक्सल, यानी 120x120, ठीक है। और यहाँ से हमने स्टार्ट कन्वर्जन कर दिया, अब ये क्या होगा .ico फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कन्वर्ट होगी और डाउनलोड होगा इमेज ऑटोमेटिक। थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन स्लो है मेरा, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, देखिए हमारा इमेज डाउनलोड होगा, तो ये हमारा कहाँ मिलेगा, डाउनलोड्स के अंदर, देखिएगा कंप्यूटर डाउनलोड्स के अंदर हमारा ये इमेज आ गया। ओपन करेंगे तो ये इमेज ओपन हो रहा है, साइज़ भी इसका 120 हो गया, पर जब इसको हम फॉर्मेट चेक करेंगे इसका, तो ये हमारा कौन सा फॉर्मेट है, .ico, तो हमें यही फॉर्मेट का इमेज चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हम वायरस बनाए हुए हैं यानी ये वायरस हमारा बैच फाइल बना हुआ है, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड टू अचीव। ऐड टू अचीव के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, विंडार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए इस आपके लैपटॉप में, तब जाके होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे वायरस का जो भी नाम देना चाहिए, यानी जो भी हम नाम यहाँ देंगे वो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे फाइल का नाम बन जाता है इसका। सब सपोज कीजिए कि हम सिंपल अभी यही नाम रहने देते हैं, यहाँ से हम क्रिएट SFX अचीव करते हैं, और जो कंप्रेशन मेथड है यहाँ पे क्या कर देंगे, बेस्ट, ठीक है। बेस्ट पे क्लिक करके और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडवांस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे SFX ऑप्शन पे, ठीक है। और यहाँ पे जाएंगे सेटअप पे और यहाँ पे रन आफ्टर एक्सटेंशन दिया हुआ, तो यहाँ पे हमने क्या किया, बैच फाइल का नाम डालना। तो हमारा बैच फाइल कौन है, virus.vat, और हमारा जो इमेज है IOC फॉर्मेट में उसका नाम क्या है, जैसे देखिए हमने डाउनलोड में किया हुआ है, डाउनलोड चीज माई इमेज, तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे इसके अंदर, यहाँ पे डालेंगे myimage.ico, ठीक है। यानी इसका इमेज का फॉर्मेट क्या है, ICO, तो यहाँ पे क्या डाल दिया हमने, myimage.ico, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसके मेथड, जो भी मेथड है इसका, देखिए यहाँ पे मोड्स है, मोड्स पे क्लिक करेंगे और इसको क्या करेंगे, अनपैक करेंगे, यानी अनपैक टू टेम्पोरेरी फोल्डर्स, और यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड ऑल, है सबको हाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम टेक्स्ट और आइकन यानी इसका आइकन सेट करेंगे, तो यहाँ पे ब्राउज करेंगे फाइल को और हमें कहाँ जाना है, डाउनलोड्स के अंदर जो माई इमेज है ये वाला सेलेक्ट करके ओपन कर देंगे, यानी हमारा आइकन क्या बन जाएगा, इस इमेज का बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देंगे, ओके, और फिर इसको ओके कर देंगे। ये हमारा डेस्कटॉप पे क्या बन गया, वायरस। हम इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो नाम भी चेंज कर सकते हैं, रीनेम कर दे, मान लीजिए यहाँ पे नाम डाल दिया इसका नेचर,
ठीक है, तो हमारा नाम क्या हो गया इसका, नेचर नाम हो गया। बट इसका जो फॉर्मेट जो भी देखेंगे, ये हमारा क्या है, .exe, यानी ये एप्लीकेशन टाइप का है। देखने में तो लग रहा है कि इमेज है, बट हमारा ये क्या चेंज हो गया है, एप्लीकेशन टाइप है, एक्चुअल में क्या है, .exe। में जैसे इस पर डबल क्लिक करेंगे, हमारा वायरस क्या होगा, रन हो जाएगा। कोई अगर ओपन करने के लिए चाहे कि इसको ओपन करे, हमारा वायरस क्या होगा, इसके पीछे रन कर जाएगा। ठीक है, तो जैसे क्लिक करेंगे, हमारा वायरस रन कर गया। देखिएगा, मेरा नोटपैड स्टार्ट होना ऑन हो गया, अपना CMD कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट होना ऑन हो जाएगा। अभी देखिए, हमारा कमांड प्रॉम्प्ट भी ऑन होने लगा। एक्सप्लोरर स्टार्ट, यानी एक्सप्लोरर जो भी होता है विंडो का, ये हमारा एक्सप्लोरर ऑटोमेटिक स्टार्ट होने लगेगा। यानी कि हमारे PC में वायरस क्या है, रन हो गया। हम चाहे इसको रोकना तो रोक भी नहीं सकते। तो ये हमारा वायरस वर्चुअल मशीन में रन कर रहा है, तो इसको हम डायरेक्ट हम यहाँ से बंद करेंगे। देखिए, कोई भी वायरस जो भी आप टेस्टिंग कर रहे हैं या बना रहे हैं, उसको मतलब मेरा सजेशन रहेगा कि आप वर्चुअल मशीन में ही करें, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। हम इसको यहाँ से डायरेक्ट पावर ऑफ करते हैं। ठीक है, फिलहाल हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आता है इस वीडियो में, आपको समझ किसी भी पार्ट समझ नहीं आता, तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।